क्वेश्चन के बाद जो अगले क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग टाइप है। देखो बेटा, छोटी सी बात ध्यान देना। अगले क्वेश्चन में आपको मैं ऐसे कहूँगा भाई, 5 ग्रेटर देन 3 है, ये बात प्रूव करो। 5 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 3, ये बात प्रूव करो। आपको अच्छी तरह से पता है बेटा 5 कन्फर्म ग्रेटर होता है सर, इसमें पूछने की कौन सी बात है, पता है ना। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मुझे प्रूफ चाहिए कि मैं कैसे मानूँ 5 बड़ा होता है ना। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका बेटा, अगर कोई चीज़ किसी से बड़ी होगी तो वहाँ पे ना वो चीज़ जो बड़ी है ना वो छोटी को तो अपने पास रखे ही रखेगी और उसके साथ जगह बच जाएगी। मान लो ये हमारा एक कमरा है, ठीक है, सुन भाई बेटा, ये हमारा क्या एक रूम है और इस रूम की ये दीवार है, ठीक है, 10 फिट की है, मैंने ऐसे कह दिया। अब मेरे पास बेटा एक डंडी है 7 फिट की। अब आप कह रहे हो सर मेरी डंडी, मान लो आपने कहा सर हमारा रूम बड़ा है, मैंने कहा मेरी डंडी बड़ी है। बेटा इन दोनों में से जो चीज़ बड़ी होगी ना वो छोटे को अपने अंदर सेट कर ले। जैसे मान लीजिए 7 फिट की, 7 फिट की यहाँ आ गई, आ गई तो इसके आगे बेटा स्पेस बच गई। और मैं ये कहता हूँ इसके अंदर ले आओ तो इसके अंदर आती नहीं, स्पेस बचती नहीं। तो बड़ी और छोटी को जब भी प्रूफ करना पड़ेगा ना बेटा, तो आपको एक ही बात ध्यान रखना भाई, कौन बड़ा प्रूफ करना है उसके अंदर छोटी चीज़ आनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। साथ में उसके साथ प्लस की टर्म बचनी चाहिए बेटा, जैसे 5 को 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना बेटा 6 माइनस, माइनस की तो कोई वैल्यू अलाउड ही नहीं है भाई। 7 के फैक्टर 3 प्लस 2 बनते हैं, 4 प्लस 1 बनते हैं, 1 प्लस 4, कुछ भी कहो, हमने कौन सा लेना बेटा, हमने तो वो जो है ना वो टर्म होनी चाहिए और उसके साथ कोई भी पॉजिटिव नंबर बचना चाहिए। चाहे वो पॉजिटिव नंबर बचो 0.00001 कुछ बचो, बट बचना चाहिए इसके साथ प्लस का। हाँ माइनस का बचे तो माइनस का होल स्केयर बच जाए, क्यों, क्योंकि माइनस का होल स्केयर बेटा क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, समझ नहीं बात। तो अब हम यही क्वेश्चन करेंगे कि भी कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि उसके साथ कुछ प्लस की वैल्यू बच जाए, क्लियर। अब देखो कह रहा है 1 स्केयर 3 स्केयर n स्केयर इससे ग्रेटर होता है बेटा, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 रखते हैं बेटा। 1 रखेंगे तो 1 का स्केयर बनेगा 1, है ना। यहाँ रखेंगे तो बेटा क्या बनेगा, 1/3, 1/3 बेटा 0.3 बार समथिंग ऐसा होता है, तो 1 बड़ा होता है, सीधी बात, इट मीन्स ये साइड बड़ी है ना। तो LHS इज इक्वल टू, सॉरी LHS ग्रेटर RHS, क्लियर। अब चलेंगे n इज इक्वल टू के, यहाँ ध्यान देना बेटा, n इज इक्वल टू के पे 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस k स्केयर ग्रेटर देन k स्केयर। अब ग्रेटर का जो क्वेश्चन होगा ना बेटा उसमें हमने इक्वल है, देखो ये वाली जो टर्म है ये इससे बड़ी है, ऐसे कह रहा है, तो कितनी बड़ी है, मैंने माना वो ए बड़ी है, ठीक है, कितनी बड़ी है बेटा ए, तो आप ऐसे लिखोगे 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस k स्केयर, प्लस में इसको इक्वल करके बेटा, और ये चीज़ छोटी है ना, ये बड़ी है और ये क्या है छोटी, कितनी है ए, तो आप ऐसे लिख लो बेटा, इसको इक्वल लिख दिया मैंने ये प्लस ए, आपने लिखना है ए इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेटा ए प्लस का है तभी तो इसने बराबर किया है दोनों को, है ना। अब आगे चलते हैं, अब लिखेंगे हम n इज इक्वल टू k+1, है ना। तो k+1 पे क्या बनेगा बेटा, 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर, k+1 का स्केयर बेटा, है ना, वो ग्रेटर करना है k+1 का होल क्यूब अपॉन 3 से, क्लियर। अब ये चीज़ छोटी है, ये बड़ी है बेटा, है ना, तो ये इसके अंदर आना चाहिए, तो हम अपनी इसकी जगह पे पहले क्या लिखेंगे बेटा, k स्क्वायर लिखेंगे, समझ आ रही मेरी बात। अब हम अपनी इस वैल्यूज़ को उठाते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, यहाँ पे k का क्यूब प्लस 3 प्लस में 8, इसकी वैल्यू यही थी ना बेटा हमारे पास k स्क्वायर वाले की, और प्लस में क्या है बेटा k+1 होल स्केयर। अब ये टर्म इसमें बन गई तो आंसर आ गया, नहीं तो नहीं आया। अब बना लेते हैं कैसे, इस a को तो बेटा जो जोड़ा है ना इसको तो पहले अलग लिख लो, लिख लिया, क्योंकि इसको अब ये होगा k³/3 प्लस में इसका होल स्केयर क्या बनेगा बेटा k² + 1 + 2, क्लियर। इसे एक को मत छेड़ना बेटा, इसको यूँ कहा रखो, ये 3 देखो बेटा एलसीएम ले लिया तो ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, हो गया बेटा। अब k+1 का होल क्यूब क्या होता है बेटा, उस फैक्टर आप ऐसे लिखो k³ k+1 के क्यूब में, देखो बेटा k का क्यूब था प्लस में 3 k² था आएगा, प्लस में 3 नहीं आता बेटा उसमें 1 आता है, तो इस 3 की जगह बेटा ऐसे टुकड़े बना लिए 1+2 1 यहाँ लिख लिया, 6k की जगह 3k आएगा बेटा तो 3k आएगा। अब देखो ये फालतू है 2, ये फालतू का 2 यहाँ लिख लो बेटा,
इस 3K को तो यहाँ यूज़ कर लिया, पीछे क्या बच गया 3K बेटा। ये क्यों किए बेटा ये टुकड़े? ये इसलिए किए कि हमने के प्लस वन को इसमें दिखाना है। तो के प्लस वन की आइडेंटिटी बेटा के का क्यूब होता है, 3K का स्क्वायर होता है, 1 भी होता है, 3K भी। यहाँ टर्म बड़ी है बेटा, ये बड़ी है तो इनको छोटे फैक्टराइज कर लो कि वो वाली चीज़ इसमें आ जाए। पूरे के अपॉन में कितना बेटा 3, ठीक है। ए को मत छेड़ना क्योंकि ये पॉजिटिव है बेटा, इसको मत छेड़ो, हो गया। अब देखो ये जो टर्म है ना बेटा, ये होती है ए प्लस के प्लस वन का क्यूब, समझ में आई बात, अपॉन में 3। और उसके बाद क्या बच गया बेटा, ये वाला भी एलसीएम का भी तो है ना, तो प्लस का 2 अपॉन 3 और प्लस का 3 से 3 कट के बच गया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये टर्म तो थी जो हमें चाहिए थी वो मिल गई, साथ में ए भी ग्रेटर देन 0 है ना बेटा, इसका मतलब ये चीज़ बराबर होगी तो ये इससे बड़ी बनेगी। फिर 2 अपॉन 3 भी ग्रेटर देन 0 है ना बेटा, ये भी इससे बड़ी होगी, और के ग्रेटर देन भी क्या है 0। अच्छा इसके 0 भी, हाँ 1 है नेचुरल नंबर, वैसे 0 से ग्रेटर है, लेकिन फिर भी सपोज करो ये दोनों चीज़ें बड़ी हैं बेटा, ये भी बड़ी है, तो इस मीन्स ये तो इक्वल बना देगी इसको, और ये बड़ी चीज़ें जब इसमें जुड़ेंगे तो ये से क्या हो जाएंगी ग्रेटर। तो आप लिखेंगे हैंस मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव्ड, क्लियर बात है बेटा। तो ये आपके ग्रेटर वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको ऐसे ही करना है। जैसे अगले क्वेश्चन और हमारे पास 2 raised to power n माई ग्रेटर देन n, तो n इक्वल टू 1 रखोगे बेटा, क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड पे 2 बनेगा, राइट हैंड पे 1 बनेगा बेटा, 2 greater 1 होता है कन्फर्म। आप n इक्वल टू k रखोगे बेटा, तो 2 की पावर k greater than k बनेगी बेटा। फिर आप n की जगह में क्या लिखोगे बेटा, k प्लस 1, क्या बनेगा, 2 की पावर k प्लस 1 greater than k प्लस 1। अब देखो 2 की पावर k प्लस, यहाँ पे इक्वल कर लो बेटा, 2 की पावर k इक्वल है ए प्लस के, है ना, क्योंकि ये ग्रेटर था। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर k होगी बेटा, प्लस में 2 होगा, ग्रेटर देन के प्लस 1 दिखाना है, तो 2 की पावर k क्या है बेटा, 2 की पावर k है ए प्लस के, क्लियर। और इन टू में कितना बेटा आपके पास 2 है, है ना, तो ये क्या बन गया 2a प्लस 2k ग्रेटर देन के प्लस 1। अब 2k को बेटा हम किस में तोड़ सकते हैं, के प्लस 1 में तोड़ सकते, k में तोड़ सकते हैं, k प्लस k में, है ना। और k प्लस k में जब हमने इसको तोड़ा बेटा, देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 की रिगार्डिंग है ना, तो 2 के लिए हमारी वैल्यू 2k प्लस प्लस 1 करोगे माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू इसकी रिगार्डिंग हो जाएगी बेटा, समझ में आ रही है बात। बिल्कुल सिंपल सा काम है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने अपना इसको सोल्व करके देखना है। इसका एक मेथड और भी बेटा, मैं आपको वही बता दूँगा, और ये नहीं समझना है तो जरूरी है।